तो स्वागत है आप सभी का टेलीवुड अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक खुशखबरी के बारे में। आप सबको एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में कोई भी शो सब टीवी का बंद नहीं होगा। ये आपने सही सुना, आपके फेवरेट शोज जो जिनको आपको हमेशा डर सताया रहता है कि बंद होगा या नहीं होगा, जब भी कोई नया शो आने वाला होता है आप कमेंट करने लग जाते हो कि मेरा ये वाला अलादीन बंद ना हो रहा हो, तारक मेहता बंद ना हो रहा हो, जीजा जी वगैरह वगैरह ये बंद ना हो रहा हो। तो मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में जो कि मतलब अप्रैल मई जून है, इनमें कोई भी शो जो अभी ऑन एयर है वो बंद नहीं होने वाला है। अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों, कोई शो क्यों बंद नहीं हो रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आने वाले दिनों में कोई, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, अभी कोई सब टीवी पर किसी नए शो का ट्रेलर भी लॉन्च नहीं हुआ है, ना ही कोई नए शो की न्यूज़ आई है। वैसे तो कई शोज़ की न्यूज़ मेरे पास पड़ी है, लेकिन मतलब शोज़ की न्यूज़ वगैरह तो आ जाती होती है, मतलब शोज़ बनने का डिसाइड तो हो जाता होता है, लेकिन बाद में कई बार सब टीवी ने कई शोज़ अपने ऐसे तैयार वगैरह मतलब स्टोरी वगैरह रिवील करके बाद में वो स्क्रैप करवाए हैं, उसका मतलब कि ऑन एयर होने से पहले ही बंद करवा दिए गए हैं। तो ऐसे जब तक शो बिल्कुल कंफर्म ना हो जाए तब तक मैं न्यूज़ नहीं देता होता। वैसे तो कई शोज़ के नाम भी पता है मुझे जो कि आगे आने वाले हैं, लेकिन अभी किसी का भी ट्रेलर नहीं देखा होगा आपने, किसी का प्रोमो वगैरह कुछ नहीं देखा होगा, क्योंकि अभी वो नहीं, अपने चैनल पर कोई प्रोमो वगैरह नहीं दिखा रहे। मैं आपने ध्यान अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ऑब्जर्व किया हो तो मैं ये जो होते हैं अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में तो शोज़ आते रहते हैं, लेकिन जब मई जून जुलाई तक ये तीन, कभी कभी अप्रैल भी, अप्रैल मई जून ये जो 3-4 महीने होते हैं ना, इनमें कभी भी नया शो नहीं लॉन्च करते सब टीवी वाले। ये क्यों नहीं करते वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए क्योंकि मई जून जुलाई ये जो महीने होते हैं, इन महीनों में आता है IPL, और आधे से ज़्यादा TRP, आधे से क्या मतलब ऑलमोस्ट सारी TRP IPL ले जाता है, जिससे दूसरे चैनल्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। फिर भी कि दूसरे चैनल्स भी काफ़ी कम शोज़ लॉन्च करते हैं इस टाइम के दौरान, और सब टीवी तो डर के मतलब शो लॉन्च ही नहीं करता है, तो क्योंकि उनको पता है वैसे भी जब से वो लापतागंज FIR वगैरह बंद करवाए हैं तो वैसे भी उनकी रोज़ी रोटी मुश्किल से ही चल रही है। तो और अगर IPL के टाइम पे दूसरे शो नए शो स्टार्ट करेंगे तो क्या हाल होगा आप सोच ही सकते हो। अभी तेनालीरामा, अलादीन, जीजा जी छत पर हैं, बढ़िया TRP ला रहे हैं, और तारक मेहता भी अपने ऑल डे रिपीट्स जो सुबह के सारे रिपीट चलते हैं उसके बलबूते पे बढ़िया TRP ला रहा है। तो हर साल ऐसा ही होता है कि 3-4 महीने पे कोई शो ना तो आता है, जब कोई नया शो आएगा नहीं तो कोई पुराना शो बंद भी नहीं करते। यूजली इस टाइम पे सब टीवी अपने ऑनगोइंग शोज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं, ताकि इसमें उनकी ग्रोथ हो, और नए शोज़ की प्रमोशन वगैरह नहीं करते, और नए शोज़ जब IPL ख़त्म हो जाता है उसके बाद आते हैं। और लेकिन जो मंगलम दंगलम है उसकी शूटिंग भी ऑफ हो चुकी है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इस वजह से वो तो अप्रैल में ऑफ एयर हो गई। उसके अलावा जो बाकी शोज़ हैं जैसे कि तेनाली वगैरह जो भी हैं बाकी, वो ऑफ एयर नहीं होंगे इन 3-4 महीनों तक। तो इसके लिए ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके फेवरेट शो जो भी, अगर कोई भी आपका फेवरेट शो है वो ऑफ एयर नहीं होने वाला है। इवन बावले उतावले भी, जो कि अभी नया शो लॉन्च हुआ है, लेकिन उसकी 0.3 या 0.4 TRP है, मतलब बेसिकली TRP से कहूँ तो फ्लॉप हुआ है वो शो, फ्लॉप हुआ है। लेकिन फिर भी अभी 3-4 महीने लग से चलेगा, क्योंकि इस करके वैसे भी 3-4 महीने चलते ही अब, लेकिन IPL इस करके बंद भी नहीं होगा। तो और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 10:30 PM पर जब मंगलम तंगलम शो बंद हो जाएगा तो उस टाइम पे बेस्ट ऑफ FIR, मतलब FIR के जो पुराने एपिसोड्स चलाते होते हैं ये TRP के लिए, वो फिर से ऑन एयर कर दें। पहले भी किया था इन्होंने, 2 बार किया है ऐसा, हो सकता है वो फिर से ऑन एयर कर दें, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बात को बिना घुमाए बताऊं तो IPL में जिनकी TRP, जिन शोज़ की TRP 2, 2, 3, 3 वगैरह भी होती है, उनकी भी 1 पे आ जाती है, क्योंकि IPL कोई सारी
इंडिया मतलब मोस्ट प्रोबे मोस्ट ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंडिया प्रेफर करता है, इस करके सबसे ज़्यादा टीआरपी उनको ही चली जाती है, इस करके सब टीवी कोई शोज लॉन्च नहीं करता। तो इस बार भी अभी कोई शो नहीं आ रहा है, तो फिर से वही होने वाला है जो हर साल होता है, 3-4 महीने तक आपको यही शो सहने पड़ेंगे चाहे कैसे भी लगें, ना तो ये बंद होंगे ना कोई नया शो आ पाएगा। तो जब तक आईपीएल है तो आईपीएल बंद होने का वेट करो, तब कोई नया शो आएगा। बाकी अगर कोई कंफर्म हो जाता है नया शो जो कि आईपीएल के बाद आना हो, वो मैं बता ही दूंगा आपको अपने चैनल पर। तो उसके लिए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब रखो, सब्सक्राइब करो टॉलीवुड अपडेट्स को, और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तभी आपको फास्टेस्ट न्यूज़ सारी मिलेगी टीवी के बारे में सब कुछ, और स्पेशली सब टीवी के बारे में सब इम्पोर्टेंट अपडेट्स एंड न्यूज़ सब कुछ मिलेगा आपको। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं, और कमेंट में बता ज़रूर देना कि क्या कमी रह गई, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकूं। वीडियो को शेयर कर देना, और अगर ये भी बताओ कि आप खुश हो कि आपका शो बंद नहीं होगा, या फिर दुखी हो कि आपको ये शो सहने पड़ेंगे। आज के वीडियो